साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई हम दो पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे गवर्नमेंट क्या सोचती है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट जो हमने उम्मीद करी थी वो उम्मीद तो टूट के बहुत ज़्यादा माइनस चली गई। किस लिए मैं बता दूं आपको कि भाई हमने ये सोचा था टिकट का पैसा बहुत कम लगेगा, समझ रहे हो बात को। उसके बाद में क्वारंटाइन का पैसा आज तक किसी कंट्री ने लिया ही नहीं यार। मैंने नहीं सुना कि फलानी कंट्री पाकिस्तान ने भी क्वारंटाइन करने के पैसे लोगों से नहीं लिया। कितनी बड़ी मजे की बात है ये, ठीक है। दो पॉइंटों पे हम बात करेंगे। ये गवर्नमेंट के तरफ से मैं वो क्या सोचती है, उनके सोचने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आगे एक वीडियो डालूंगा कि उसमें क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने टिकट फ्री कर दे या आपको फ्री में बुलाए, क्वारंटाइन के पैसे नहीं ले, पूरी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिले। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे साथियों। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप लोगों के हो सकता है 3 से 4 या 5 सवाल हो सकते हैं, टिकट के पैसे गवर्नमेंट क्यों ले रही है या फिर टिकट का पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्वारंटाइन के पैसे गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिए, गवर्नमेंट डील क्यों कर रही है, लेट क्यों कर रही है, हमें बुलाती क्यों नहीं। अगर 7 दिन में 15,000 लोग पहुंचेंगे तो लाखों लोग है वो कब तक पहुंचेंगे, 13 मई के बाद में क्या होने वाला है, इन 5-6 पॉइंटों पर हम बात करेंगे साथियों। तो पहले मैं बता दूँ आपको कि 13 मई के बाद में हम बात करें तो ये एक शुरू में आपको याद होगा लॉकडाउन तब हुआ था, तब 7 दिन का था, 7 दिन से 21 दिन, ठीक है, इस तरह से बढ़ा था। ये 7 दिन का ट्रायल है, ये समझ लीजिए। ट्रायल में जितने लोग पहुंच गए उसके बाद में बम्पर तरीके से लोग निकलने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो आप बात को। फिर और भी जो फ्लाइटें हैं उनको भी इजाज़त दे दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप भी लेके आओ, इतने में सेटल हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा टाइम लग जाता है धीरे धीरे। शुरू में आपको याद होगा कि शुरू में जब कोरोना का स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में, तो इंडिया बाहर की कंट्रियों से जैसे वुहान से या फिर ईरान इराक से कुछ 2-4 फ्लाइट लेके आए थे, उनको भी रखना मुश्किल हो गया था। यानी 1,000-1,500 लोगों को भी पूरे भारत में रखना मुश्किल हो गया था, किसी ने इजाज़त नहीं दी। फिर उनको वायुसेना एयरबेस में वहाँ पे रखा गया था हॉस्पिटल में, आपको याद होगा हमारे राजस्थान जोधपुर के अंदर, वहाँ पर भी विरोध हो गया था। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, 7 दिन में पूरा ट्रायल होने के बाद धड़ 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 आप आने लग जाओगे, डोंट वरी। मई के अंदर जितनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया सब मेरे हिसाब से पहुँच जाओगे। अब आगे हम बात करते हैं साथियों की, क्योंकि टिकट के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट भी कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, मैंने हर 2-4 वीडियो में पहले भी बताया था और मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट डाला था कि दुबई की प्राइस आ रही है 35,000 रुपये एरोप्लेन की बुकिंग में। आप गो वो आप देखते हो तो मई के दौरान मैंने आपको बताया था 12-13 मई की 30 से 35-40 हज़ार रुपये प्राइस आ रही थी, और अभी आप गवर्नमेंट आपसे कितना पैसा लेगी, 12-15 हज़ार रुपये आपसे ले रही है गल्फ का। सऊदी का ज़्यादा है थोड़ा सा, 20-25 हज़ार रुपये है, तो सऊदी का भाई उस टाइम 50 से ज़्यादा शो कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कि उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा पैसा ले रही है या कम ले रही है। एक इसका रीज़न ये और बता दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से फ़्लाइट जा रही है तो लगभग फ़्लाइट खाली जा रही है। पहले क्या होता था कि वो जो किराया था ना उसमें क्या होता था कि यहाँ से भी पूरा फुल होके जाती थी, उधर से भी फुल होके आती थी, तो दोनों तरफ से उनको एडजस्टमेंट हो जाता। अब यहाँ से लगभग फ़्लाइट खाली जाएगी आपको लेने के लिए, क्योंकि दुबई से यहाँ से तो कोई जाने वाला है नहीं, जो जाने थे वो 2-4 फ्लाइटों पहुँच गए, तो यहाँ से खाली जाएगी। फिर वहाँ से भी आपको जैसे 200 कैपेसिटी का प्लेन है तो क्या 200 बिठा के लेके आएगा, 100 बंदे लाएगा, तो उसका खर्चा तो कितने का हुआ, 200 का। इधर से खाली गया उधर से 100 लेके आ रहा है, यानी इधर से 200 उधर से 400 का उसको पैसा आना था, उसको मात्र 100 लोगों का पैसा आ रहा है। फिर भी आपको 13,000 से 15,000 में एक कैंडिडेट आ रहा है, भाई बताइए महंगा है सस्ता है, मुझे नहीं लगता महंगा है, बिल्कुल सस्ता है। आप अपने घर से गाड़ी लेके जाते हो 500 किलोमीटर दूर, तो आप कभी ट्राई करना, समझ रहे हो बात को। एक आप 5 बंदे साथ में लेके जाते हो कितना सस्ता पड़ता है, सेम टू सेम वो स्थिति है। फिर भी महंगा नहीं है, अगर गवर्नमेंट ये छूट दे देती कि भाई आप अपने हिसाब से फ्लाइटों को कि आप ले आओ हम यहाँ तैयार हैं, तो गारंटी के साथ 40,000 से नीचे टिकट नहीं मिलती आपको, मैं बता रहा हूँ ये। और ये आप उनके जो कंपनियों के वेबसाइट हैं या ऑनलाइन पोर्टल हैं उन पर जाके देख लो टिकट के भाव पहले के शो कर रहे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट खुद ने डाले हैं आपको। 35,000 तो दुबई का है, औरों के तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को टिकट का पैसा नहीं लेना चाहिए या फिर क्वारंटाइन का पैसा तो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। तो भाई हो सकता है गवर्नमेंट के पीछे तर्क होगा, या हम भी ये सोच सकते हैं कि पिछले 2 महीनों से अगर आप बोल रहे हो कि हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमारे पास रूम का पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो ये स्थिति सबकी हो सकती है, अपने देश की भी हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट की कोई तरफदारी कर रहा हूँ, इस पर माइनस का पॉइंट में आगे भी
वीडियो बनाऊंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, जिससे अपना ये फ़ायदा हो सकता है। टिकट का ये जो भी है आगे मैं अलग से बनाऊंगा। गवर्नमेंट की सोच है वो मेरे तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कितना गवर्नमेंट के ऊपर भार पड़ रहा है। आपने समझ रहा है, इनकम जीरो, कोई टैक्स का फाइल का जितने भी गवर्नमेंट को इनकम होती है वो बंद है, दो महीने से कोई इनकम नहीं हो रही है, खर्चा लग रहा है। अब खर्चे की बात करें, कितना अनाज लग रहा है गवर्नमेंट का रोज़ का, कितना मेडिकल टीम पे कितने कर्मचारियों को सैलरी देना, कितनी योजनाएं चल रही हैं उनको उनमें पैसा देना, ठीक है, कोरोना महामारी से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, राज्यों को भी फंड देना पड़ता है सरकार को, ये कारण हो सकते हैं। इन वजह से गवर्नमेंट ने आप लोगों की टिकट्स वगैरह या फिर टिकट्स फ्री की तो पहले भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला था कि भाई हम फ्री में लेके आएंगे, लेकिन क्वारंटाइन के पैसे या कुछ रिलीफ इसमें होना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा, हालाँकि ये नीचे नीचे बातें चल रही हैं, पूरा खुलासा मैं अगले वीडियो में करूँगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, मेरी क्या सोच हो सकती है आपके साथ। बस आज की जानकारी आप लोगों के साथ इतनी देनी थी साथियों। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ में लाइक का बटन जरूर दबा दें, जैसे वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।